एस्ट्रल इंडिया एक वेल नोन ब्रांड है, ग्लोबल एमएनसी तो है ऑफ कोर्स, और हम सब इनके ब्रांड से वाकिफ भी हैं। भारत में इन्होंने 1979 में कारोबार शुरू किया था। 330 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, करीब 3000 डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइंट भी हैं इनके पास। ऑटोमोटिव और लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में दिग्गज कंपनी है। संदीप सांगवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ऑफकोर्स कंपनी के साथ इस सेक्टर में उनका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। कंपनी के साथ सर काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, 2012 से कंपनी के साथ हैं, 2020 में MD भी बने थे, एंड ऑफकोर्स काफ़ी इम्प्रेसिव बैकग्राउंड है सर का। NIIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है उन्होंने, IIM लखनऊ से MBA भी करा हुआ है, और कैस्ट्रॉल के अलावा जिलेट और PNG जैसे बड़ी कंपनीज के साथ भी सर पहले जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। थोड़ी बजट की भी बात चल रही है, बट अदरवाइज ओवरऑल एक डिमांड एनवायरमेंट पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। पिछला साल तो हमने देखा ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा, इस साल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? थोड़े धीमेपन की बात चल रही है इकोनॉमी में ओवरऑल, बट आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं? तो सबसे पहले दीपांशु, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा आपको भी सर, थैंक यू। और जैसा आपने पूछा कि इस साल क्या लग रहा है, तो हमारे जहां तक लुब्रिकेंट्स कैटेगरी का सवाल है, तो हमें करीबन 4% ग्रोथ की हमें संभावना है पूरी कैटेगरी में, जो ज़्यादा पर्सनल मोबिलिटी से ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स को लेके। पिछले साल में जहाँ पे इन्फ्लेशन सप्लाई साइड चैलेंजेस काफ़ी रहे थे, तो हम आशा करते हैं कि ये साल ठीक निकलना चाहिए। अपनी हिंदुस्तान की GDP भी करीबन 6.5-7% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं लोग, बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें तो वहाँ से रिसेशन की बात हो रही है, तो अच्छा साल रहना चाहिए 2023। चलिए तो अच्छा साल रहना चाहिए 2023 का, ये सर की तरफ से अपडेट आ रहा है। सर कंपनी में भी काफ़ी सारे अपडेट्स हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स की भी मैं बात करूंगा, बट एक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के साथ TVS ग्रुप की जो कंपनी है, आप वहाँ पर 7% हिस्सा खरीद रहे हैं करीब 490 करोड़ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं ये क्या है और किस तरह से आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं? तो जो हमने की मोबिलिटी में निवेश किया है 487 करोड़ का 7% स्टेक के लिए, तो की मोबिलिटी एक TVS ग्रुप की कंपनी है, एक TVS एक जाना माना बड़ा प्रतिष्ठित बिजनेस हाउस है, तो हमने उनके साथ टाई अप किया है। तो की मोबिलिटी जो इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट है, जो इंडिपेंडेंट आफ्टर सर्विस एंड मेंटेनेंस मार्केट है, उसको डिजिटाइज करना चाहती है और फ्यूचर में EV के लिए भी तैयार करना चाहती है इस इकोसिस्टम के लिए। तो अगर मैं कैस्ट्रोल और की मोबिलिटी देखूं, तो हमारे दोनों बिजनेसेस में काफ़ी सिनर्जीज हैं। दो बड़ी ट्रस्टेड ब्रांड है जिसको कंज्यूमर और कस्टमर ट्रस्ट करते हैं। की मोबिलिटी के पास स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, कैस्ट्रोल के पास लुब्रिकेंट्स है, कैस्ट्रोल के पास ब्रांड है और मार्केटिंग कैपेबिलिटी है। तो इन दोनों को मिला के हम अपने ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को बड़े अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशंस दे सकते हैं इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में। तो एक ये मेन हमारा उद्देश्य है। और क्या प्लान्स है सर प्रोडक्ट्स को लेकर? कुछ और नए प्रोडक्ट्स अभी समय बाजार में लेकर आ रहे हैं, कुछ और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैस्ट्रोल एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए मानी जाती है और अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के लिए लेके आते हैं। तो इस साल भी हम 2023 में सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा कि हम कैस्ट्रोल ऑन लॉन्च करने वाले हैं। कैस्ट्रोल ऑन एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो EV व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड्स हैं, इसमें ग्रीसेस हैं, इसमें कूलर्स हैं जो EVs के लिए रहेंगे, तो वो हम इस क्वार्टर में लॉन्च करेंगे। दूसरा हम जो कर रहे हैं, एक SUV जो सेगमेंट है वो काफ़ी बढ़ोतरी पे है, तो हम SUVs के लिए भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाएंगे लुब्रिकेंट्स में। तीसरा, जैसा कि पहले हम ऑटो केयर रेंज में ऑटो केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे, जो पिछले एक दो साल में हमने 10 शहरों में किए, तो उसको भी हम नेशनल लेवल पे अब एक्सपेंड करेंगे इस साल में, ताकि कंज्यूमर्स को कैस्ट्रोल का भरोसेमंद प्रोडक्ट और कैटेगरीज में भी मिले और अच्छे प्रोडक्ट मिले ऑटो केयर के लिए। और एक और मैं जो जिक्र करना चाहूँगा कि धीरे धीरे हम अपनी कंपनी को सर्विस एंड मेंटेनेंस की तरफ भी लेके जा रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते थे, ताकि हम जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स हैं
उनमें और अच्छी तरह की सर्विसेज दे सके अपने कंज्यूमर्स को। तो हमने पिछले 2 साल में करीबन 230 कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस बनाए हैं इस करीबन 90 शहरों में, और करीबन 42 एक्सप्रेस सर्विस स्टेशन जो जियो बीपीएफ की साइज पे हैं, तो हम इनको भी बढ़ाएंगे। और ये सब एक इकोसिस्टम हम ईवीज के लिए भी तैयार करना चाहते हैं कि जैसे हमने ईवीज की ट्रेनिंग चालू कर दी अपने मैकेनिक भाइयों के लिए, तो पिछले साल सेकेंड हाफ में हमने करीबन 400 मैकेनिक ट्रेन किए हैं ईवी की मेंटेनेंस करने के लिए ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ। चेन्नई में और दिल्ली में शुरू में फोकस रहा है क्योंकि ये हॉट मार्केट्स हैं ईवीज के लिए, तो हम इस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे इस सप्ताह। टेस्टिंग डेवलपमेंट सर, इनफैक्ट मेरा सवाल भी इसी पता पर, आपने काफ़ी अच्छे से ये डिटेल्स दे दी कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिछले साल ऑफकोर्स हमने रिकॉर्ड बिक्री देखी थी ग्लोबली और भारत में, और शेयर जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी कैस्ट्रॉल तैयार है, नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई रेंज ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर कैस्ट्रॉल की तरफ से आ रही है। सामान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और काफ़ी डिटेल्स